बोल। मैं तस्लिमा सुभान आंगनवाड़ी एसोसिएशन की प्रेसिडेंट गवर्नर साहब से अपील करती हूँ कि जिन हेल्परों को निकाला गया है उनको प्लीज़ अपनी जगहों पे वापस लीजिए, क्योंकि उनकी कोई खाता ही नहीं है। जिन लोगों ने उनको उन जगहों पे लगाया है उन्होंने या तो पैसा खाया है या उनको किसी जासे में लेकर उनको इन पोस्टों पर लगाया गया है। जो जिन्होंने लगाया है चूँकि वो आधे तो मर गए हैं, आधे रिटायर हो गए, आधे पता नहीं है कि नहीं है, इस वक्त कोई नहीं बोल सकता। ये 918 हेल्परे हैं, यानी कि 900 घर में कितने लोग होते होंगे, इनके इसी छोटी तनख्वाह पे कितने लोग मुयसर थे। आपसे गुजारिश है कि इसको बोलते हैं समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। इन 918 लोगों में घरों में कितने लोग हैं जो 18 से ऊपर एज रखते हैं, जिनको कल किसी न किसी चीज़ की गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती रहती है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इनको अपनी अपनी जगहों पर वापस लीजिए। और दूसरी बात यह है कि इनमें कुछ बेवाए है, कुछ तलाकशुदा है। वजह यही है इनको तलाक क्यों मिला है। इनको तलाक इस वजह से मिला है क्योंकि ये सुबह जाती थी ड्यूटी पे, शाम को वापस आती थी। जब इनकी नौकरी अब रही नहीं तो उनको घर वालों ने भी अपने से दूर किया है और कुछ लड़कियों को तलाक दिया गया है। आपसे गुजारिश है, और हम जानते हैं कि आप इंसाफ परस्त है, आप इंसाफ करते हैं, और हमें उम्मीद भी है कि आप वर्करों के साथ साथ, हेल्परों के साथ साथ इन हेल्परों का भी इंसाफ करेंगे। आपसे गुजारिश है ताकि इनका मसला हल कीजिए, वरना मतलब फिर जो भी होगा उसकी तमाम तर जिम्मेदारियां गवर्नमेंट पर होगी और उन आला अफसरों पर होगी जिन्होंने इनको इन जगहों पे लगाया गया है। अगर ये पोस्ट ही नहीं था तो इनको जासे में क्यों लिया गया है। आप देखिए रोज बरोज ये तो प्रेस कॉलोनी में या किसी न किसी जगह पे रोती रहती है। आह बहुत चीज होती है, आह से इंसान पता नहीं कहां से कहां किस 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 की कुर्सी हिल जाती है। आह अल्लाह ताला ने ऐसी रखी है कि आह जो भी करता है, जिसको भी आंसू निकल आते हैं, चाहे वो बेवा हो, चाहे वो तलाकशुदा हो, चाहे वो गरीब हो, तो उनकी आह बराबर आसमान तक पहुंच जाती है। इससे पहले जो भी गवर्नमेंटें थी उन्होंने लगाया है या किसने चुपचाप बैठे हैं। इसलिए हमारी दौड़ सिर्फ आप तक है। आपसे गुजारिश है, फिर से दर्दमंदाना अपील करती हूं मैं कि इनको अपनी अपनी जगहों पे वापस लीजिए और इनका जो रुका बड़ा तनख्वाह है वो भी इनको दे दिया जाए, ताकि इनका गुजारा भी हो जाए, इनके बच्चे भी स्कूल जा सके, इनका खाना भी चले, इनके रहन सहन। इस वक्त सर्दी के मौसम में आप देखिए ये किस तरह दर बदर भटकते रहती है। क्या यही इंसाफ है? मोदी जी ने यही कहा है कि एक साथ चलो, इसको एक साथ चलना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं कि अब औरतों को इज्जत देना, औरतों को बेपर्दा करना, क्योंकि औरत हमेशा पर्दा में ही रहती है। मगर ये देखिए ये आपकी बहनें, ये आपकी माएं किस तरह दर बदर फिर रही है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, फिर भी इनको इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, आपसे अपील करती हूँ, दर्दमंदाना अपील करती हूँ कि इनका मसला हल कीजिए। और तमाम उन मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया है, हमारी बात आगे रखी है। इसके अलावा इस वक्त आंगनवाड़ी सेंटरों में जो बोलते हैं कि न्यूट्रिशन इनको पका कर देगो, आप ही बोलिए इस कोविड की दौर में कौन कहां किस किस का बच्चा आंगनवाड़ी सेंटर पे आएगा। पहले हम न्यूट्रिशन देते थे ऐसे ही घर घर जाके, इस वक्त भी हम अपील करते हैं, हम वैसे ही इस वक्त न्यूट्रिशन बांटेंगे जिस तरह हमने इन एक साल में दिया है, क्योंकि कोविड का वक्त है। अगर खुदा न करे किसी बच्चे को कोविड लग गया, या खासकर वर्कर या हेल्पर को, आपको तो मालूम ही होगा कि 6 वर्करे इसी कोविड की वजह से, कोविड की सर्वे करते करते या बच्चों की देखभाल करते करके उनको ये बीमारी लग गई और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। आपसे गुजारिश है कि
तब तक हम ये न्यूट्रिशन वैसे ही होम टू होम देंगे जिस तरह इस साल देते थे, तब तक जब तक ये कोविड खत्म ना हो, क्योंकि ये मोहलक बीमारी है, ये पता ही नहीं चलती है कैसे लग जाती है। फिर से आपसे गुजारिश करती हूँ कि ये जो हेल्पर है इनको अपनी अपनी जगहों पे वापस ले लीजिए, वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप इंसाफ परस्त है, आप इंसाफ करना जानते हैं, इसलिए इनके साथ भी, इनके साथ साथ आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर का भी इंसाफ कीजिए। आप ये सोचिए, हरियाणा में हाल ही में उनको 15,000 लेकर भी वो बोलते हैं कि हमारी पे ये कलील तनख्वाह है। आपसे गुजारिश है कि हमारी बात भी आगे लीजिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी वर्करें भी बेवा है, बहुत सारी वर्करें भी तलाकशुदा है, जिनको दो दो तीन तीन बच्चे हैं और वो अपने मायके में बैठी है। आपसे गुजारिश है कि हमारी तनख्वाह का जो भी बनता है जैसे भी बनता है, मोदी साहब से मिलकर हमारी बात कीजिए। जिस तरह दिल्ली वालों को इस वक्त 10,000 रुपये, हरियाणा वालों को 15,000 रुपये सिर्फ, और जम्मू कश्मीर की आंगनवाड़ी वर्कर जिनको इतनी ही कलील तनख्वाह पर और इस मुश्किल दौर के वक्त में काम करना पड़ रहा है, इतनी बर्फबारी में लड़कियां काम करने जाती है। आपसे गुजारिश है कि हमारी तनख्वाह जो बढ़ा दीजिए, वो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।